जैसा कि आप सबको पता है कि आज का मौजूदा समय टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हो चुका है और आज के समय में लोग टेलीविजन से ज़्यादा प्राथमिकता मोबाइल को दे रहे हैं और मोबाइल में ही मूवी, मनोरंजन तथा खबरों को देखना पसंद करते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ गैर जिम्मेदार लोग YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से लोगों को गुमराह या गलत खबरें चलाने की वजह से कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय हिंदी उत्तर शक्ति दैनिक न्यूज़पेपर के संरक्षक एवं दक्ष फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश प्रजापति जी ने भारतीय जनता पार्टी के बसई मंडल अध्यक्ष रामानुजम जी से इन्हीं सब विषयों पर चर्चा किए तो रामानुजम ने विस्तार से लोगों के सामने अपने बातें रखे। देखिए पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, हम अभी पहुंचे हैं भाजपा ऑफिस वसई मंडल। वसई मंडल हम मिले हैं अभी, हमारे यहाँ पे अध्यक्ष हैं श्रीमान रामानुज जी, उनसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं। रामानुज जी, आप हमें ये बताइए, शुभांशु सोबे करके हैं उनका, आपके मंडल या जिला में कहाँ पे वो पदाधिकारी है? हमने सुनने में आया है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की है, उसके लिए वो पुलिस में जमानत के लिए अर्जी करे हैं तो हमको पता चला है। तो हम ये आपको सवाल पूछना चाहते हैं, मीडिया के द्वारा हमें पता चला है, अभी कौन सा मीडिया है वो ठीक है मगर हमको पता चला है, तो इसके लिए हम आपके पास आए हैं, आप जरा उचित जानकारी देंगे हमें? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपका यह वसई रोड मंडल आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने इतने बड़े विषय को हमारे सामने लाया। यह मध्यवर्ती कार्यालय विशाल नगर, महामंत्री उत्तम कुमार जी भी यहाँ रहते हैं। सुधांशु चौबे के नाम से जो YouTube चैनल वालों ने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की है, ये साजिश के तहत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का 3 साल से रामानुजम प्रेसिडेंट है यहाँ पे, मेरे ऑफिस के द्वारा एक भी पेपर उनको आज तक नहीं दिया गया है, ना ही वो कोई पद पे हैं, ना ही वो सदस्य हैं। मैं चाहूँगा ऐसे चैनलों के खिलाफ, मैंने पुलिस में अर्जी भी दी है मानिकपुर पुलिस चौकी में, और इसके खिलाफ जो है वो जन जागरण भी हम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को आगाह भी कर रहे हैं। ये YouTube चैनल मनोरंजन के लिए है, इसको अधिकार ही नहीं है कि इस तरह के जो है वो ये न्यूज फैला करके समाज में गंदगी पैदा करे। इन्होंने बिल्डरों को, व्यापारियों को, सभी लोगों को परेशान कर रखा है उनका न्यूज बना बना करके। ऐसे चैनलों को हम बंद कराने के लिए अपने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के पास भी हम लेटर भेज रहे हैं, दिल्ली में ये लेटर जाएगा और ऐसे चैनलों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, ऐसी हमें आशा है। और मैं जो है वो आपके माध्यम से सभी वसई रोड और वसई जिला सबको ये बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सुधांशु चौबे से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक संबंध नहीं रखे हुए है, 3 साल का गवाह मैं हूँ। पूर्ववर्ती में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सभी लोग को यहाँ जो है वो आमंत्रण है, यहाँ किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन 3 साल से वो किसी भी पद पे नहीं है, ये मैं अध्यक्ष होने के नाते आपको वचन देता हूँ।